ओके, सभी ने इसको सॉल्व कर लिया। चलो फिर मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो लोग देखें। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो देखो, मैंने जैसा बताया था, हमें साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इनको ऐसा ही रखना है। टेन को क्या लिख देना है? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉट के कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, है ना। फिर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये एलसीएम लेके आएगा। अब हमें ये यहाँ पर पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? वन। तो हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर बचेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और नीचे बचेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे? इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो ये क्या बचेगा? वन अपॉन कॉस अल्फा प्लस वन अपॉन साइन अल्फा, ये बचेगा। वन अपॉन कॉस क्या होता है? ये होता है सेक अल्फा। और वन अपॉन सेक क्या, वन अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक अल्फा। ये हमें आसानी से क्या मिल गया? हमारा आर एच एस। आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए एक और नया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये वाला। हमें बोला है वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस कोसेक अल्फा इजिकल टू कोसेक अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। जिसमें भी आर एच एस लेकर चलो, और आर एच एस में ये जो टर्म है कॉट स्क्वायर अल्फा, इसमें कॉट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा की जो आइडेंटिटी होती है उस आइडेंटिटी को यूज करो और कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कैंसिल हो जाएंगी चीजें, आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको।
कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। देखो हम सॉल्व करते हैं क्या। वन प्लस तो कॉट स्क्वायर अल्फा हमने पढ़ा था, वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये थी ना थर्ड आइडेंटिटी। तो वन को कहाँ भेज देंगे हम, आरएचएस में, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन वन प्लस कोसेक अल्फा। तो वन को तो हम कभी भी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ऐसा पहले भी हम कर चुके हैं, और हम एलएचएस को सॉल्व कर दें, ये हो गया। फिर वन प्लस ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, सबको याद हो चुका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोसेक अल्फा माइनस वन इंटू कोसेक अल्फा प्लस वन अपॉन अपॉन में क्या मिलेगा, वन प्लस कोसेक अल्फा, ये हमें मिल जाएगा। तो ये वन प्लस कोसेक अल्फा प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, एक तो वन और दूसरा ये वाला टर्म, है ना, ये टर्म बच जाएगा कि कोसेक अल्फा माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, कोसेक अल्फा, और यही क्या है हमारा, आर एच है। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, सबको समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, आपकी सोशल की क्लास है 6:30 से, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छा करेंगे।